हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बाल झड़ने की समस्या सबको है, कोई एक पर्सन नहीं है, या न कोई एक लड़की है न कोई औरत है। आप देखोगे तो जेंडर का भी इससे लेना देना नहीं है, चाहे आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, सबको बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन काम कर रहे हो आप, चाहे आपके बाल झड़ने की समस्या तो रहती रहती है। कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, कोई भी ट्रीटमेंट करवा लो, फिर भी ये समस्या नहीं जाती है। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम लोग नॉर्मल जो नेचुरल तरीके हैं हमारे, उनको भूल चुके हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बालों पे केमिकल यूज़ करने लग गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ तीन ऐसे घरेलू चीज़ें बताऊँगी, तीन घरेलू उपाय बताऊँगी, जिससे आप अपने बालों के झड़ने को हमेशा के लिए रोक सकते हो। लेकिन आप इनको कंटिन्यू कीजिएगा और केमिकल को कम से कम अपने बालों पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जहाँ देखते हैं, जिसके घर देखते हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है। कोई भी मौसम हो, पहले लोग बोलते थे सर्दियों में बाल ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद ने नोटिस किया होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मियों में भी उतने ही बाल झड़ते हैं। हाँ, कुछ लोगों के थोड़े कम झड़ते हैं, लेकिन झड़ते ज़रूर हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हर कहीं खुद को ही अच्छा फील नहीं होता है कि क्या हो गया है। जनरली इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल है वो बहुत झड़ते हैं। ज़्यादा आजकल का प्रदूषण, जिसमें हमें जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बहुत सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट हमारे बालों पे पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में रहने की वजह से भी हमारे बाल है वो झड़ते हैं। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं में, अक्सर देखा गया है, कभी पीरियड्स की वजह से, कभी हार्मोन्स मेनोपॉज की वजह से, या किसी न किसी रीज़न की वजह से, प्रेगनेंसी है तो भी उनके बाल झड़ने की समस्या, यानी हार्मोन जब जब चेंज होते हैं उनके बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा बालों को सुंदर चमकदार बनाने के लिए, यानी कि हमारे स्मूथ दिखे, स्ट्रेट दिखे, इसके लिए बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। केराटिन करवा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, स्मूथनिंग करवा रहे हैं, यानी हर हम लोग वो ट्राई करते हैं कि हमारे बाल है वो दिखने में सुंदर लगे। करवाना ही चाहिए, मैं आपके इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सुंदर दिखने के लिए हम लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है कि हम अपने बालों को स्ट्रेट करवा रहे हैं या फिर बालों में शैम्पू कर रहे हैं, कंडीशनर कर रहे हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि सबको सुंदर दिखना है। तो ये चीज़ें तो आप करवाना चाहो तो करवाएं, मैं आपको बोल दूँ मत कराओ, इससे आपको नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान तो होता है, मानते हैं, केमिकल यूज़ करोगे तो बालों में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इनके साथ साथ आप कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके, यानी जो कुछ घरेलू नेचुरल कुछ तरीके इस्तेमाल करके इसकी समस्या को, मतलब बालों को ख़राब होने से या बालों को झड़ने की जो समस्या होती है उसको कम ज़रूर कर सकते हो। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्याज का रस। प्याज एक बहुत ही नेचुरल चीज़ होती है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है, हमारे बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी फंगल गुण होता है, जिसकी वजह से हमारे जो बालों की ग्रोथ है का जो स्कैल्प है उस पर जब डेंड्रफ यानी कि जो रूसी हो जाती है उसको ख़त्म करने का ये काम करती हैं, और पोषण प्रदान करती है, हमारे बालों को नरिश करती हैं, साथ ही चिकना बनाती है, सुंदर बनाती है, घना बनाती है। अगर आपके बालों को वाइट होने की समस्या है, यानी कि प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, नारियल का तेल। नारियल का तेल एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, चाहे वो हमारे हेयर, मतलब हमारी पूरी बॉडी के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। स्किन से रिलेटेड कोई समस्या हो या हेयर से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो हमेशा फ़ायदेमंद होती है। तो आपको नारियल के तेल में कुछ बूंदे
प्याज के रस की मिलानी है और उसके बाद इन दोनों को अच्छे से अपने हाथों से, आपको नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपके जो उंगलियां हैं उनके जो उंगलियों से अच्छे से आपको वो जो ऑयल लेना है और आपके बालों का जो स्कैल्प है, जड़े हैं बालों की, वहाँ पे अच्छे से मसाज करना है और बहुत ही सॉफ्टली और बढ़िया तरीके से मसाज कीजिए ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो सर्कुलर मोशन में कुछ देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मसाज करनी है। फिर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हो अगर रात के टाइम कर रहे हो तो, या दिन में कम से कम आप 1 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू जो होता है कम केमिकल वाला, जिसमें हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नेचुरल शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वो वाला शैम्पू यूज़ करके अपने बालों को वॉश कर लीजिए। उससे आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो ये प्रॉब्लम है हेयर, मतलब बालों के झड़ने की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में वॉश किया, आप चाहोगे कि दूसरे ही दिन मेरे बाल है वो झड़ने बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा समय लगता है, आपके स्कैल्प को वो नरिश करेगा, आपके डैंड्रफ बनने का जो प्रोसेस है उसको कम करेगा और धीरे धीरे वो आपके बालों को, बालों की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करेगा और आपकी ये झड़ने की समस्या को कम करता जाएगा। लेकिन इसको आपको कंटिन्यूएशन में रखना है, हफ्ते में 2 या 3 बार आप इसकी मसाज कर सकते हो, रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ग्रीन टी। ग्रीन टी में आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे बॉडी के लिए अगर आप पीते हो तो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, साथ ही आपके बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। बालों में कैसे इसका इस्तेमाल करना, आपको एकदम थोड़ा गर्म पानी करना है, उसमें ग्रीन टी डालनी है, अच्छे से उसको जब वो उबल जाए तो उसको छान के उस पानी को आप हल्के हल्के हाथों से अपने जो जड़े होती है बालों की जड़े स्कैल्प पे कुछ देर तक उससे मसाज कीजिए, जैसे ऑयल की मसाज कर रहे हो वैसे, ग्रीन टी के पानी से नॉर्मली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप चाहो तो रेगुलर कर सकते हो, वरना जिस दिन आपको बाल धोने हो उससे पहले दिन आप ये चीज़ कर लीजिए, या आपको बाल धोने से 1 या 2 घंटे पहले आप ये ग्रीन टी वाले पानी से अपने स्कैल्प के अच्छे से मसाज कर लीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मसाज करनी है, उसके बाद आप जो शैम्पू नॉर्मली नेचुरल वाला जो शैम्पू आता है उससे अपने बालों को वॉश कर लीजिए। उससे आपके बालों की ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाएगी, बाल झड़ने भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा हमारी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और हमारे बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, बालों को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को नरिश करता है, साथ ही स्कैल्प को मेंटेन रखता है। कि बालों के लिए जो सबसे अच्छा काम एलोवेरा क्या करता है, वो क्या करता है कि जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे आपके बालों को या आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप एलोवेरा जेल, जो फ्रेश एलोवेरा जेल आता है, आप उसके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हो तो वो क्या करता है, उससे प्रोटेक्शन करता है, आप धूप से बचाते हैं आपके स्कैल्प को डायरेक्ट सनलाइट से। उससे आपके बालों में जो भी रूसी होती है, डैंड्रफ का खतरा होता है, यूवी लाइट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है बालों को, उससे भी वो सेफ रखता है बालों को। इसलिए एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदेमंद होता है हेयर ग्रोथ के लिए। ये कम से कम आप अगर आप इसको एक बार लगा के छोड़ देते हो तो 1 हफ्ते तक इससे कोई, मतलब आपकी जो सनलाइट की जो प्रॉब्लम होने, नोटिस करोगे कि जब आप बाहर जाओगे और आपने एलोवेरा जेल के अच्छे से मसाज की हुई है, या आप हफ्ते में 2 या 3 बार एलोवेरा जेल से मसाज करते हो अपने बालों का, तो आपको खुद को फील होएगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट जब आपके बालों पे गिरेगी तो जो आपके अलग सी जलन होती है सनलाइट की वजह से या खुजली होती है वो नहीं होएगी, और धीरे धीरे वो इतना प्रोटेक्ट करेगी आपकी स्कैल्प को कि वहाँ के रूखेपन को बिल्कुल से ख़त्म कर देगी और आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देगा। तो इसलिए एलोवेरा बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आपको मिले तो वो बहुत अच्छी बात है, आप प्लांट लेके आ सकते हो एलोवेरा का, और उसका जो पल्प होती है उसको निकाल के अपने बालों पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर कीजिए। कम से कम 10 मिनट आप मसाज कीजिए ताकि उसका, आपके बालों का या स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो। बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हो स्मूथनेस के लिए, बट स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करनी है आपको। आप ये हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, उसके बाद
अगर आपको शैम्पू करना है तो कम से कम 1 घंटे बाद शैम्पू कीजिएगा, नहीं तो ओवरनाइट आप स्कैल्प में मसाज करके ओवरनाइट छोड़ के दूसरे दिन आप शैम्पू कर सकते हो। ऐसा करने से आप खुद नोटिस करोगे कि कुछ ही दिनों में आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो कम हो जाएगी, साथ ही जो प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और डेंड्रफ, रूसी, इनमें भी आपको फ़ायदा पहुँचता है। और आपने ये तो सुना होगा कि बालों को सिल्की स्मूथ बनाती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रीम होती है, जेल्स होती है, जिसमें एलोवेरा डाला जाता है ताकि आपके बाल है वो सिल्की दिखे। ये तो है बालों को झड़ने से रोकने के कुछ तरीके। इसके अलावा आंवला का पाउडर है वो भी फायदेमंद होता है बालों के झड़ने से रोकने में। दूसरा नारियल का तेल, आपको अगर किसी भी ऑयल से मसाज करनी है तो नारियल के तेल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप रेगुलरली हफ्ते में 2 बार नारियल के तेल से अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए, ये अपने जो उंगलियाँ होती हैं उंगलियों के नाखूनों से नहीं करना है, उंगलियों ऊपर की जो उंगलियों का टिप होती है उनसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में बालों को, यानी आपके जो स्कैल्प है उसको मसाज करना है, बालों की जड़ों पे मसाज करना है, और 10 से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद ओवरनाइट आप बालों को छोड़ दीजिए। और सुबह आप माइल्ड शैम्पू जो आता है बिना केमिकल वाला मिले, तो वैसे तो सब में केमिकल होता है लेकिन थोड़ा बहुत नेचुरल जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो। मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन जो आपको बालों के लिए सूटेबल हो वो आप शैम्पू यूज़ कीजिए, और फिर आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लग जाएंगे और बालों का झड़ना एकदम से कम होना लग जाएगा, और धीरे धीरे हो सकता है कि बंद ही हो जाए अगर आप अच्छा साथ ही अच्छा पोषण लेते हो, यानी कि खाने में। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी होम रेमेडीज हम जो इस्तेमाल करते हैं उनके साथ साथ अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे तब आपके ये फ़ायदा डबल करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप खा कुछ भी रहे हो, अच्छा सा मतलब जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें अगर आप खाते रहोगे, अगर आप ये बालों पे होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई करोगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखोगे, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे रखोगे, स्ट्रेस कम लोगे, रात को अच्छे से प्रॉपर नींद लोगे, तो आपके ये जो चीज़ें हैं वो वर्क करेगी, और इसी के साथ आपके बालों की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, बालों का झड़ना कम होगा। यह है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।